जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो आपको बताते हैं कि बस की टक्कर से बाइक सवार चालक की मौत हो गई है। ड्यूटी से घर लौट रहा था मृतक। रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर एक प्राइवेट बस ने बाइक चालक को कुचलकर उसे मौत की घाट उतार दिया है। हादसा गांव गोविंदपुरी के पास उस वक्त हुआ जब बाइक चालक ड्यूटी से घर लौट रहा था। वहीं हादसे के बाद आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया है। खोल थाना पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते कि गाँव खोरी निवासी योगेश कुमार गाँव पाली कोठरा पावर हाउस पर स्थायी तौर पर कार्य करता है। योगेश ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक लेकर गाँव खोरी की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में गोविंदपुरी के पास कुंड की तरफ से आ रही एक प्राइवेट बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जांच शुरू कर दी है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें कि दुष्कर्म किडनैपिंग केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने करीब 3 साल पहले नाबालिग को किडनैप करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर सूरत में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2019 की एक खबर है। धरोड़ा पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने कहा था कि वह धरोड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के सामने चाय की दुकान चलाता है। उनकी बेटी नाबालिग है जो कि कोचिंग सेंटर में जाती थी और वहीं पर उस आरोपी ने उसको अगवा करके उसके साथ गलत काम किया है। अब उसे सजा मिल गई है। आज की खबरें यहीं तक। फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते हैं हिमाचल को देखना भूले। धन्यवाद।